स्मॉल स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की मीनिंग क्या हो सकती है बताओ। वेरी सिंपल, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्मॉल स्केल मीन्स व्हाट बताओ। हनी बेटा प्रशांत, मैम, जब हम कम कैपिटल इन्वेस्ट करके कोई इंडस्ट्री खड़ा करें। हाँ कम में प्रोडक्शन करें। फर्म और इंडस्ट्री दो चीज होती हैं, याद रखना ये चीज हमेशा, है ना। बताया ना मैंने फर्म और इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस आप लोगों को, यस मैम। हमेशा ध्यान रखना जब आप रीड करेंगे, है ना, जब आप रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को एग्जाम के टाइम पे, तो वो थियरी किसी फर्म को लेकर के बनी है कि किसी इंडस्ट्री को लेकर, ये ध्यान में रखना हमेशा। तो देखो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन मीन्स जो कम उसमें प्रोड्यूस करना एक फर्म में या एक इंडस्ट्री में, तो उसके हम डायरेक्ट इसके मेरिट्स पढ़ेंगे और डायरेक्ट इसके डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, बस इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं मेरिट्स स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के, वो डिस्कस करेंगे अभी। मेरिट्स ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, पहला पॉइंट क्या होगा, देखो पर्सनल सुपरविजन होता है, सब अच्छे से ध्यान रखती है ऑर्गेनाइजेशन, तो पर्सनल सुपरविजन होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या प्रॉफिट होता है, प्रोडक्शन एज पर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को ध्यान दिया जाता है। तो याद रखना जो डिफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस लार्ज स्केल के होते हैं वही इसके क्या बनेंगे, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस बनेंगे स्मॉल स्केल के। आ रहा है समझ में। तो प्रोडक्शन एज पर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को ध्यान में रखते हुए ही गुड्स बनते हैं, क्योंकि बल्क में करना नहीं है तो हम उतना ही करते हैं जितना हम कर सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही करते हैं। नेक्स्ट देखो बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, एक इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है तो उसके सारे बेनिफिट्स। लार्ज स्केल में क्या हो जाता है, ओनर्स भी ज्यादा होते हैं, इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, तो पैसा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ता है। और स्मॉल स्केल में क्या होता है, एक या दो लोगों के हाथ में होता है या कुछ लोगों के हाथ में होता है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा शेयर नहीं करना पड़ता है। फिर जो आर्टिस्टिक क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आर्टिस्टिक, जो एक दिन में एक या दो से ज्यादा पेंटिंग नहीं कर सकता। देखो याद रखना जितने भी डिफेक्ट्स लार्ज स्केल के हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स बन जाएंगे अपने किसके, स्मॉल स्केल के। तो गुड्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस बहुत अच्छे से होगा उसमें, ध्यान देखें। फिर क्लोज कांटेक्ट होता है बिटवीन लेबर्स एंड मैनेजर्स, तो उससे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंट स्ट्राइक है ना, लॉकडाउन फैक्ट्री में है ना, या जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नहीं होगा। क्लोज कांटेक्ट बिटवीन लेबर्स एंड प्रोड्यूसर्स, सिक्स पॉइंट देखो, इंडिपेंडेंट टू वर्क, अपने अकॉर्डिंग काम हो सकता है। जब स्मॉल स्केल में होता है तो जो लेबरर्स होते हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, उनको एक जैसा काम नहीं करना होता, उनको स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, प्लस उससे क्या होता है उनका स्किल्स और इम्प्रूव होते जाता है, तो इंडिपेंडेंट टू वर्क हो जाते हैं। सेवेंथ देखो, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट ज्यादा बढ़ते हैं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के जब वो काम कर रहे हैं तो उनका स्किल बढ़ रहा है, जैसे उनका स्किल्स बढ़ेगा उनको आगे बहुत जॉब्स मिलता है, तो मोर एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स उनके लिए बढ़ जाते हैं फॉर द फ्यूचर। और लार्ज स्केल में क्या होता है, हम वही काम घिसे पिटे जैसे करते जा रहे हैं, तो सबके पास सेम स्किल्स, तो हमारी जो स्किल्स होते हैं वो इंक्रीज नहीं हो पाती है, वहीं तक ही रह जाती हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है कि हम सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो जिससे हमारी क्वालिटीज बढ़ती हैं तो हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं फॉर फ्यूचर। फिर देखो एक पॉइंट इसमें ये लिखा है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन,
It helps in removing the defects of large scale production. Nine point, evils of industrial centers. जो एक इंडस्ट्री में है ना, बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो उसके साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो वो सारे से हम बच जाते हैं किसमें, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में हम फ्रीली काम कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है। प्लस और क्या होता है इसमें, इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। प्लस इट एलिमिनेट्स द डिफेक्ट ऑफ, इट एलिमिनेट्स द डिफेक्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सेटअप। कैपिटलिस्टिक मीन्स वॉट, लार्ज स्केल जब प्रोडक्शन करते हैं तब हम क्या करते हैं, बल्क में मशीन्स आती हैं, ठीक, तो बल्क में काम होता है, दिन भर काम होता है, शिफ्ट्स वाइज काम होता है, तो एक्सप्लॉयटेशन जो लेबर्स का है, वुमेन्स का, बच्चों का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। प्लस जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है तो उनका डेली का अगर 100-100 रुपये भी देंगे तो एक नहीं मानेगा तो दूसरा मानेगा, तो उसके चक्कर में दूसरों को भी वो काम करना पड़ता है। तो मार्केट्स में जो फैक्टर्स प्रोडक्शन है उनके रेट कम हो जाते हैं, मतलब लेबर्स वगैरह को, उनको कम पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसको उतने कम सैलरी में ही काम करना पड़ता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सेटअप में ये होता है, तो हम उससे क्या हो जाता है, बच जाते हैं। स्मॉल स्केल में जब काम होता है तो ज़्यादा मशीन्स नहीं होती है, तो सारा काम कौन करता है, लेबर्स खुद करते हैं, तो उनको एक अच्छा खासा वेज मिल सकता है उसमें। नेक्स्ट देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस किए उन सब से मिला के इकोनॉमिक ग्रोथ बनता है। जैसे अगर आप लोग सपोज इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसमें, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होती है, ये सब डिस्कस किए हैं मैंने आपको, फिर और क्या होता है इसमें, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होती है, कैपिटल अच्छा यूज होता है, एफिशिएंट यूज होता है कैपिटल का, है ना, कम में। फिर क्या होता है इसमें, एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट्स यील्ड क्विक रिजल्ट्स, है ना, इन्वेस्टमेंट यील्ड्स मतलब देना, क्या देती है, क्विक रिजल्ट, जल्दी देती है, क्विक रिजल्ट मिलता है, कम लोग काम करते हैं, सबका सबको पता रहता है, लेस टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड रहता है क्योंकि ज्यादा काम मशीन्स के भरोसे नहीं लेबर्स के भरोसे होगा, और ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो हमने मेरिट्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। अब देखो इसमें, ये थे मेरिट्स, अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स। तो सबसे पहला डिफेक्ट क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज्यादा ही रहती है कंपैरेटिवली, हम कितना भी कर लें
लार्ज स्केल के कंपैरिजन में प्रोडक्शन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होगी? देखो सपोज इसके मेरिट्स में अगर हम जाएंगे तो लेबर्स को अच्छा खासा पे करते हैं ना यहाँ पे, और इसमें किसमें स्मॉल स्केल में, और लार्ज स्केल में क्या हो जाता है, लेबर्स को कम पे करते हैं, फिर और क्या हो जाता है, स्मॉल स्केल में जो कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है, और लार्ज स्केल में क्या होता है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो हम क्या करते हैं उसमें। तो देखो दोनों साइड के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती। तो ये हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फैक्टर हमेशा रहेगा ही रहेगा कंपैरिजन टू लार्ज स्केल, ठीक है। मतलब अगर हम इसको, जो भी हम बेनिफिट्स और डिफेक्ट्स हम जब भी स्टडी कर रहे हैं ना, ये याद रखना हमने लार्ज स्केल जो बेनिफिट्स और वो स्टडी किए तो किसको ध्यान में रखकर किया है, स्मॉल स्केल में। और वही चीज जब हम अगर अभी स्मॉल स्केल में कर रहे हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स तो किसको ध्यान में रख के करेंगे, लार्ज स्केल को। तो कंपेरिजन में अगर जाएंगे तो लार्ज स्केल के कंपेरिजन में प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखो, इम्पॉसिबल टू यूज मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम ज्यादा कैपिटल यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो ना हम कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मशीन्स वगैरह का हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। प्लस क्या हो जाएगा, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मींस हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड मींस व्हाट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो कहेगी सपोज कि मेरे को इतनी क्वालिटी का तो गुड्स चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो वो जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतना तो मुझे चाहिए और इससे अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मुझे एक दिन में 20,000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन चाहिए, इट मींस चाहिए। तो वो जो 20,000 जो टारगेट सेट है एक दिन का वो होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स हम लोग सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ही सेट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल में ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए लिखा है लैक, कमी है स्टैंडर्डाइजेशन की। हम ऐसे कोई टारगेट्स बना के अपने प्रोडक्शन को कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में हम उतना टारगेट देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती है लेबर्स की भी, है ना। प्लस हमको पता चलता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं उन चीज़ों को। तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पाती है, किसमें, स्मॉल स्केल में, ये इसका डिफेक्ट है। फोर्थ पॉइंट देखो, स्कोप ऑफ रिसर्च वर्क नॉट अवेलेबल, है ना। तो R&D डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है। लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे R&D होता है। R&D का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप समझो एक बात को, रिसर्च और डेवलपमेंट कोई भी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी गवर्नमेंट में, ठीक है, उसका जो बजट अनाउंस करती है गवर्नमेंट, जैसे अभी अपना एक बजट अनाउंस होगा हर साल फरवरी में होता है, इंडिया में कौन अनाउंस करता है बजट बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस करती है, ठीक है, हर साल, और उस बजट के अकॉर्डिंग ही एक इकोनॉमी काम करती है। तो कभी भी किसी भी कंट्री का अगर बजट देखना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है नए चीजों में रिसर्च कर रही है, तो उसका बजट का परसेंटेज कहाँ देखा जाता है, बजट के R&D में। R&D मीन्स व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक कंट्री कितना एक्सपेंस कर रही है, और आप चाहो तो उसको कंपेयर कर सकते हो दूसरी कंट्री के साथ। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो परसेंटेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम होता है कंपैरिजन टू किसके, अमेरिका और चाइना की। तो देखो फर्क कहाँ आता है, इंडिया चाहे तो कर सकती है लेकिन जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। पैसा तो उतना ही है ना, उस पैसे को कैसे डिवाइड करना है वो रहता है। इसलिए ही जो इंडिया या दूसरी कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो फॉरेन टूर्स पे रहते हैं, फॉरेन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाते हैं ताकि वो लोग वहाँ की टेक्नोलॉजी हमको दे सकें कम प्राइस में। तो वो होता है रिलेशन बिल्ड करना। समझ में आ रही है बात?
तो हर कंट्री जो R&D में ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर पाती है तो वो दूसरी कंट्रीज से वो वर्क क्या करती है, परचेज करती है, ट्रीटी साइन करती है। तो जो चीज हमारे पास होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं और जो चीज उनके पास होती है वो हमको प्रोवाइड करवाती है। आ रहा है कुछ समझ में, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ? यस मैम। तो देखो, तो ये सारी चीजें ध्यान में रहना है। तो जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनका खुद का एक R&D डिपार्टमेंट होता है। अगर आप लोग ये सब कॉस्मेटिक्स वगैरह में देखोगे, ठीक है, बेसिक एग्जांपल आप कॉस्मेटिक्स वगैरह में देखोगे, ठीक, तो पहले क्या होता था, सपोज जो एक क्रीम होती है ना, जो मेन्स भी यूज करते हैं, वुमेन्स भी यूज करती हैं, कॉस्मेटिक्स में पहले एक ही क्रीम आती थी, सब यूज करते थे, ठीक। अब क्या हो गया है, रिसर्च वर्क इतना बढ़ा दिया है कंपनीज ने, मेन्स के लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स मेन्स के लिए अलग आते हैं। आज मार्केट में चले जाओ, फिलिप्स का स्टोर पे चले जाओ, आप लोग मेन्स में देखेंगे इतने सारे प्रोडक्ट हैं आपके ग्रूमिंग के, ट्रिमर्स वगैरह दुनिया भर के, इतनी वेराइटीज, ठीक है। पहले होती थी क्या, अवेलेबल नहीं होती थी, अब अवेलेबल है। अब तो अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्शन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग प्रोडक्ट, ऑयली स्किन है तो अलग, नॉर्मल स्किन है तो ये अलग, फॉर सेंसिटिव स्किन है तो अलग। और सोचो पहले एक ही अवेलेबल होता था, अब तो पूरा जेंडर बेस पे भी अलग अलग अवेलेबल है, मेंस के लिए अलग, वुमेन्स के लिए, फिर उसमें एज के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, है कि नहीं। बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट है, बड़ों के लिए अलग है, फॉर द ओल्डर अलग है। तो देखो, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, जब वो कंपनी रिसर्च वर्क में इन्वेस्ट करती है। तो जब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है तो कंपनी तब क्या कर सकती है, रिसर्च वर्क में ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकती है। तो ये बेनिफिट किसको मिलता है, सिर्फ लार्ज स्केल को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे आप अपन, इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले। तो देखो, वेस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ये मैंने शायद एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, बाय प्रोडक्ट्स। सपोज मैंने बताया था वूलन इंडस्ट्री है, तो जो शिप से वूल मिलता है हमको, है ना, उसमें से, या फिर जूट मिलता है, या जो हमको सिल्क वगैरह मिलता है, तो या फिर सोयाबीन वगैरह, मैंने सोयाबीन का एग्जाम्पल दिया था आपकी क्लास में मे बी, कि उसमें ऑयल का जो प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट जो उसका बचा हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं, एज अ मार्केट में एज अ फूड हम उसको यूज करते हैं, सोयाबीन वगैरह को। तो वो सब प्रोडक्ट जो होते हैं वो हो जाता है बाई प्रोडक्ट, है ना, जिसका जो एक के लिए वेस्ट है वो उसी इंडस्ट्री में उसमें दूसरा प्रोडक्शन भी करते हैं वो लोग। तो लार्ज स्केल में क्या होता है, उन वो लोग सब चीज का एक साथ प्रोडक्शन करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं वो लोग, वेस्ट में से भी इनकम अर्न करते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके लिए वो क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। किया था ना एक्सप्लेन मैंने शायद सोयाबीन वाला एग्जाम्पल आपकी क्लास में, ऑयल यस वाला, है ना, यस आपकी मैम। क्लास में किया था। तो देखो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, और वही लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका अच्छे से यूज करके उसको बाय प्रोडक्ट बना के एक दूसरा यूनिट ओपन करके उसको भी सेल करना शुरू कर देगी। तो अच्छे से, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कंपेरेटिवली लार्ज स्केल में ज्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, स्मॉल स्केल के कंपेरिजन में। नेक्स्ट देखो, फेलियर ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, लास्ट ईयर तक क्या होता था, स्टूडेंट्स पूछते थे मैडम इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे होते हैं, हमने सुना है, हमने फील नहीं किया, इस साल सबने फेस कर दिया इकोनॉमिक क्राइसिस, सब फेस कर रहे हैं ना, पैंडमिक की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, मार्केट में जॉब्स नहीं है, है कि नहीं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई, आप सबने फील किया होगा, अगर आपके घर में कोई बिजनेस वाले होंगे तो उनका बिजनेस बंद हो गया होगा, जो जॉब वाले होंगे तो, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे उनको तो शायद पूरा पे मिला होगा, लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स में होंगे तो पे कट्स हुए होंगे बहुत सारे चीजों के, या सैलरी लेट से आई होगी, फील किया सबने अभी पैंडमिक में, और अभी चल रहा है, और अभी तो एक न्यू म्यूटेशन आया है UK में कोरोना वायरस का, तो उसमें और स्पीड से बढ़ रहा है, तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि इंडिया में भी उसका इफेक्ट हो।
तो वो होता है इकोनॉमिक क्राइसिस, जब लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं, है ना, तो फेलियर। तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तो सरवाइव कर जाती है, लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है बेचारी जो डेली कमाती हैं खाती हैं ना, उनके लेबर्स भी डेली कमाते हैं खाते हैं, तो उनके जॉब्स चले गए, है ना। तो अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हुए तो अब वो लोग कम में काम करवा रहे हैं, है ना। इट मीन्स पहले जहाँ पे 20 लेबर्स काम करते थे अब 10। तो फेलियर ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो शॉर्ट जो स्मॉल स्केल होती है इंडस्ट्रीज, है ना, या फैक्ट्रीज, वो स्मॉल स्केल में सर्वाइव, सॉरी, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाती है। लेकिन जो लार्ज स्केल फर्म्स होती हैं, जैसे टाटा का था, जियो का था, या आसपास जो BSP वगैरह आपने देखा, वहाँ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसा आ रहा है समझ में मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ? नेक्स्ट देखो, हाई ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब है सिर्फ, आप ये समझा करो, एक्सपेंस। मैंने बताया है ना आप लोगों को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस हम जिसको ये नहीं बोल सकते कि वो इसी चीज के प्रोडक्शन में यूज हुआ है, हुआ वो उस फैक्ट्री में। सपोज अगर आप लेबर्स हो, फ्री लंच देते हैं या फ्री स्नैक्स देते हैं, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से यूनिट का कौन सा लेबर था जिसने वो चाय, समोसा या स्नैक्स लिया, तो हम उसमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम उतने से बढ़ा देंगे। कोई डिसाइड कर सकता है क्या उनके स्नैक्स वगैरह को कि वो कौन से यूनिट का लेबर था? तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम नहीं बता कर सकते, लेकिन वो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओवरहेड, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसको हम कोरिलेट नहीं कर सकते वो कौन सी चीज के प्रोडक्शन में यूज हुआ है। आप कैसे बता सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लेबर है, एक लेबर ने 1 समोसे खाए, दूसरे लेबर ने 2 समोसे खाए? तो आप बता पाएंगे क्या कि वो ए यूनिट वाला लेबर था, उसने 1 समोसा खाया था, इसलिए उस चीज के प्रोडक्शन की कॉस्ट को इतने से बढ़ा देंगे? पॉसिबल है? बताओ बताओ, नो मैम, कॉस्ट नहीं है ना, तो ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट मींस या फिर पूरे टाइम तक लाइट ऑन है एक फैक्ट्री में, ठीक है, ए यूनिट में काम चल रहा है, बी में नहीं चल रहा है, तो हम बी की लाइट नहीं बंद कर पा रहे हैं क्योंकि पूरी कनेक्टिविटी एक साथ है उसकी, या तो फिर ए का भी काम बंद करना पड़ जाएगा, तो हम बी का कर सकते हैं क्या बंद? नहीं। तो वो कॉस्ट है ना, तो ऐसी कॉस्ट जो हम नहीं बता सकते वो किसमें ज्यादा यूज हुई किसमें कम, तो ऐसे को ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो स्मॉल स्केल में ज्यादा होती है और लार्ज स्केल में वो कम हो जाती है। 8th पॉइंट देखो, सम इंडस्ट्रीज कैन बी ऑपरेटेड ओनली ऑन लार्ज स्केल। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो सिर्फ लार्ज स्केल में ही कर सकती हैं, स्मॉल स्केल में वो काम नहीं कर सकती हैं। तो ये भी एक डिफेक्ट है, सम इंडस्ट्रीज कैन बी ऑपरेटेड ओनली ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये फीचर्स थे, डिफेक्ट्स थे। अब देखो, एक दो पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। मेजर्स टू ओवरकम द डिफेक्ट। गवर्नमेंट ने कुछ सुझाव दिए हैं कि इन सारे डिफेक्ट से ओवरकम कैसे किया जाए। मेजर डिफेक्ट, ओवरकम मीन्स सॉल्यूशन, क्या है? मेजर्स टू ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल। फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल मशीन्स है ना, छोटी छोटी मशीन्स लगा सकते हैं, आजकल तो अवेलेबल होती हैं और कम प्राइस में अवेलेबल होती हैं। स्मॉल मशीन्स जो पैकिंग मशीन्स होती है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, वो एक बार फिट हो गई तो उनको निकालना जीवन भर मुश्किल। वही जो स्मॉल मशीन्स या चीप मशीन्स होगी, जो हैंडी मशीन्स होती हैं, जैसे हैंड, मतलब हैंडली ऑपरेटेड होती है, मतलब एक प्लग लगाया और उसमें छोटे छोटे मशीन्स को यूज किया, तो वो जाती हैं स्मॉल और चीप मशीन्स। दूसरा, बिजनेस नॉलेज को स्प्रेड करना थ्रू द गवर्नमेंट, है ना, सेमिनार्स वगैरह करवा के स्पेशलाइजेशन नॉलेज प्रोवाइड करवाना, तो हम ये तरीके यूज कर सकते हैं। इन अच्छा खासा गवर्नमेंट प्रोविजन बनाए फाइनेंस का, जैसे गवर्नमेंट अभी बीच में मुद्रा लोन, तरुण लोन, ये सब एक
चल रहा था, तो तुरंत इजीली स्मॉल लोन्स अवेलेबल रहे, तो जैसे उनका काम अच्छे से हो सके, तो एडिक्वेट फाइनेंस की फैसिलिटी गवर्नमेंट बोलती है कि प्रोवाइड हो, तो स्मॉल स्केल का काम अच्छे से हो सकता है. नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से करें. बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो पता ही नहीं है. प्रॉब्लम ये होता है कि हर चीज प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन इज देयर ना, बट लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है, तो उसको यूज करने का. नेक्स्ट देखो, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन अमंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स. ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है उनकी ना आपस में भी नहीं बनती है. जैसे सपोज मैं उनकी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ उन स्मॉल स्केल में, तो वो लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं ज्यादा. क्यों नहीं करते हैं? एक माइंडसेट होता है कॉम्पिटिशन की वजह से, कॉपरेशन नहीं होता है. ठीक है, अगर हम उनको बता देंगे तो हमारा बिजनेस चले जाएगा. तो ये सारी जो बातें होती हैं, एक्चुअली क्या होता है, नॉलेज बताने से इंक्रीज होता है. ठीक है, बोलते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन सामने वाला अगर उसका गलत यूज करता है तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो इसलिए लोग आजकल अपना नॉलेज भी शेयर करना कम करते हैं, तो कॉपरेशन की कमी होती है. तो ये था अपना स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, जिसमें हमने मैरिट्स देखे, उसके डिफेक्ट्स देखे और उसके मेजर्स टू ओवरकम. क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे. ठीक, एंड करूं क्लास? यस मैम, थैंक यू मैम. ओके, कहीं पे डाउट कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा था? ओके, तो एंड करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.